हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई से घी, वो भी बिल्कुल देसी तरीके से और आसान तरीके। तो चलिए दोस्तों, हम रोज की तरह अपनी मलाई दूध से निकालते हैं। ये दोस्तों ताज़ा मलाई है और हमने कुछ मलाई 7-8 दिन के पहले इसे जमा करके रखी हुई है। ये मलाई दोस्तों हमारी 8 दिन की स्टोर थी फ्रीजर में, जिससे कि हम कम से कम 500 से 600 ग्राम घी निकालेंगे और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई को मीडियम आंच पर थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई लगभग हमारी गर्म हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके मलाई डालेंगे। ये दोस्तों मलाई तुरंत निकल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। इस तरह से मलाई निकालने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि हमारी जो घी बनती है वो बिल्कुल सौंधी बनती है और खुशबूदार बनती है, उसमें किसी तरह की स्मेल बाद में नहीं आती है। सारी मलाई हमारी निकल चुकी है दोस्तों। अब इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसे हम धीरे धीरे इसी तरह चलाते रहेंगे दोस्तों। इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे सड़ जाती है। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसे चलाने के लिए। अभी इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन बाद में आपको इसे लगातार चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा खोलने देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो छाल मलाई थी वो पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है। दोस्तों करछी चलाते हुए हमारे मलाई में उबाल आ चुका है। इसी तरह हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इसी तरह धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे दोस्तों। इसे चलाना नहीं बंद करना है। देखिए फ्रेंड, हमारी इसे चलाते हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी जो मलाई थी वो घी छोड़ने लगी है। हम इसी तरह इसे चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारी घी देखिए कितनी अच्छी तरह से निकल रही है, तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। इसी तरह हम इसे पूरी लाल होने तक चलाएंगे। इसे चलाते हुए हमें करीब 20 मिनट हो चुके हैं। इसे इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। ये ब्राउन हो चुकी है, पर इसे थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से घी निकल रहा है। दोस्तों हमारी जो मलाई थी वो पूरी तरह से ब्राउन हो चुकी है। देखिए इसमें इस तरह से झाग आ रहे हैं। इसमें इतना झाग आने का मतलब है ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। दोस्तों घी हमारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अभी से हम यहाँ से किसी छन्नी की मदद से छान लेंगे। दोस्तों ये हमने जार में घी निकाल लिया है। ये घी की प्योरिटी देखिए कितने गोल्डन कलर की है, और सौंधी सी खुशबू आ रही है दोस्तों। इस तरह से घी बनाने से ये फ़ायदा है दोस्तों कि ये घी हमारा 5 साल तक ख़राब नहीं होगा। 5 साल या 10 साल भी इसे रख दीजिएगा दोस्तों तो ये ख़राब नहीं होगा। ये हमने आपको डेमो दिखाने के लिए इसमें निकाला था दोस्तों। ये अभी हमारी मेन घी बाकी है, अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं।
ये हमारा घी निकल चुका है दोस्तों, ये देखिए कितने गोल्डन कलर का घी है। ये घी हमारी निकल चुकी है दोस्तों, इसकी क्वांटिटी 600 ग्राम है। तो इस तरह से घी निकालेंगे तो सालों साल ख़राब नहीं होगा। चलिए अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। साथ ही ये दोस्तों हमारी दाढ़ी निकली है, देखिए एकदम ब्राउन है सुंदर सी। इसमें चीनी डाल करके खाएं, ये बहुत ही हेल्दी होती है दोस्तों। आप चाहें तो चीनी डालकर इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, वो भी बहुत सौंधी सौंधी, बहुत टेस्टी लगेगी।